गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टडी क्लास 11 की मैथ्स रिवीजन ऑफ माय स्टूडेंट्स। पहले आप लोगों को काउंटिंग पढ़ा चुके हैं। जैसे काउंटिंग में टू फाइव का काउंटिंग होता है, जैसे कि फॉरवर्ड काउंटिंग है, बैकवर्ड काउंटिंग। फॉरवर्ड काउंटिंग किसे कहते हैं देखिए, जानिए काउंटिंग है यहाँ पर। फॉरवर्ड काउंटिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग देखिए, सी ओ यू एम टी काउंट, टी एच डॉ एन यू एम टी या नंबर, ओ एफ आर एच टी ए आर एस स्पेयर्स बाई एम ओ वी आई एन जी मूविंग इन ऑफ यू पी ऑफ डब्ल्यू ए आर डी वर्ल्ड डी आई आर ई सी पी आई एन डायरेक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पर कह रहा है कि जब आप काउंटिंग करते हो, कह रहा है कि काउंट द नंबर ऑफ स्पेयर बाय मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर देखो एक बॉय है, काउंटिंग कर रहा है ऊपर की तरफ चल रहा है। देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपवर्ड, अपवर्ड से ऊपर होता है डायरेक्शन में दिशा। ऊपर की जब आप काउंटिंग करते हो ऊपर की ओर तरफ, तो उसे हम आप फॉरवर्ड काउंटिंग बोलते हैं। या तो फिर जब गिनती गिनते हो और वो ज्यादा होता जाता है, उसे आप फॉरवर्ड काउंटिंग करते हो, ठीक है, जो कि ऊपर की ओर जाते हैं। जब हम काउंटिंग करने समय बढ़ते नंबर में जाते हैं, तो उसे आपको फॉरवर्ड काउंटिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक बालक है, यहाँ पर देखिए तो ये स्टेयर यहाँ पर जो मतलब सीढ़ी है वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। जैसे 1 2 3 4 5 तो आपको बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, देख रहे हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आपका बढ़ते क्रम में अगर आप काउंटिंग करते हो तो उसे फॉरवर्ड काउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख लीजिए डब्ल्यू एच एन वेन डब्ल्यू वी सी ओ यू एम टी काउंट एफ आर ओ एम काउंट एक्स एन ए डबल एन ई आर स्मॉलर एन यू एम डी आर नंबर टू बी आई डबल डी आर बीकर एन यू एम डी ई आर नंबर इट टू सी ए डबल एन ई डी कॉल्ड F O R W A R D forward C O U M T I N G counting। तो स्टूडेंट इसका मतलब यह है कि जब आप छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ आप काउंटिंग करते हो तो उसे आप फॉरवर्ड काउंटिंग करते हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं फॉरवर्ड काउंटिंग। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि जब बढ़ रहे हो आप तो उसे फॉरवर्ड काउंटिंग बोलते हो। अब देखिए वहां पर बैकवर्ड काउंटिंग दिया है, ठीक है। अब आप समझ लीजिए कि जब आप छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ, छोटे नंबर से स्टार्ट करते हो बड़े नंबर की तरफ जाते हो तो उसे आप फॉरवर्ड काउंटिंग बोलते हो, ठीक है। जैसे 1 2 3 जैसे 1 से आप देख रहे हो बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो तो बढ़ते जाओगे तो उसे फॉरवर्ड काउंटिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप बैकवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग किसे करते हैं, बी ए सी के बैक डब्ल्यू ए आर डी फॉरवर्ड सी ओ यू एम टी आई एन काउंटिंग। बैकवर्ड काउंटिंग मीन्स उल्टी गिनती, ठीक है। बैकवर्ड काउंटिंग इसे करते हैं, रिवर्स काउंटिंग भी इसे बोलते हैं, बैकवर्ड आर रिवर्स काउंटिंग। तो देखिए सी ओ यू एम टी काउंट टी एच द एल यू एम डी आर नंबर ओ एफ आर एच टी ए आई आर एस स्पीयर्स बाई एम ओ पी आई एन डी मूविंग आई एफ इन डी ओ डब्ल्यू एन डाउन डब्ल्यू ए आर डी डाउन वर्ड डी आई आर डी सी टी आई एन डायरेक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पर कह रहा है कि जब देखिए काउंट द नंबर ऑफ स्पीयर्स, यहाँ से देखिए ये स्पीयर बना हुआ है आपका, इस पर आपको नंबर भरा हुआ है काउंटिंग का, ठीक है। तो जब एक लड़का है देखिए कैसे मूव कर रहा है,
दूसरे नंबर के तरफ आते हो तो उसे आप बैकवर्ड काउंटिंग या रिवर्स काउंटिंग बोलते हो, ठीक है। अब देखिए डब्ल्यू एच एन रेन ली सी ओ यू एन टी काम एफ आर ओ एम फ्रांस बी आई डबल जी एफ बी गर्ल एन यू एन बी एन नंबर टू एस एन ए डबल एन एन स्मॉलर एन यू एन बी एन नंबर इट इज सी ए डबल एन ई डी कॉर्नर बी ए सी के डब्ल्यू ए आर बैकवर्ड आर आर बी ई आर एस रिवर्स काउंटिंग। तो स्टूडेंट ये देखिए आपका ये बालक का यहाँ पर शेयर बना हुआ है, तो ये यहाँ से स्टार्ट किया है, यानी आपको ऊपर से स्टार्ट किया नीचे की तरफ आया और इसमें जो है आपको फॉरवर्ड काउंटिंग में नीचे से स्टार्ट किया ऊपर गया, ठीक है, यानी कम से ज्यादा की तरफ गया तो ये आपका फॉरवर्ड काउंटिंग हो गया। अगर ज्यादा से कम की तरफ आते हो तो इसे आप बैकवर्ड काउंटिंग बोलते हो या रिवर्स काउंटिंग करते हो। ओके, वही चीज है यार, देखिए कि व्हेन वी काउंट फ्रॉम बिगर नंबर टू स्मॉलर नंबर इट इज कॉल्ड बैकवर्ड आर रिवर्स काउंटिंग। जब आप बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ काउंट करते हो तो उसे आप बैकवर्ड काउंटिंग या रिवर्स काउंटिंग बोलते हो, जैसे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से आपको पता चला कि किसे बैकवर्ड काउंटिंग बोलते हैं और किसे फॉरवर्ड काउंटिंग बोलते हैं। तो ठीक है, आज आप पढ़ लिए हो, इसके बाद आपको हम प्रैक्टिस के लिए देंगे कल नेक्स्ट डे अगले दिन।